I was so fascinated about cars. Now, look at me, man. Good morning, friends. Sat Sri Akal, namaste, bade ko pari banao. हाँ भाई, हेलो तो बोल दे। साले तू चिंता बेच क्या कैसे सोया? मेरे को लगा कुत्ता मर गया है। मैं प्रे कर रहा था उसके लिए, अरे भगवान इतने ड्रामे बाज कुत्ते साले। चलो अच्छा है, जिंदा है। तो यार लद्दाख राइड की शुरुआत हो चुकी है। माय गॉड, दैट वाज द थिंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। जब मैं राइड नहीं भी करता था तब भी मैं लद्दाख राइड करना चाहता था। जो कार से कभी उतरता ही नहीं था, वैसे मेरे को कार ही चाहिए रहती थी। और कार वॉज ऑल दी थिंग जिसके बारे में सोच सकता था यार, बड़ा एक डिमांड फॉर। सिर्फ एक कार ही ऐसी चीज होती थी। और मतलब कार्स, आई वाज सो फैसिनेटेड अबाउट कार्स। नाउ लुक एट मी मैन, बाइक, ओ मैन, एक साल हो चुका है मुझे बाइक राइडिंग करते हुए। अपनी बाइक को भी एक साल हो चुका है, इसका बर्थडे हो चुका है, पूरा बर्थडे गिफ्ट मैं इसको दे रहा हूँ लद्दाख। तो मैंने पहली बार जीवन में अपनी बाइक का ट्रिप मीटर करा है जीरो, और इसके बाद मैं आज जा रहा हूँ सिर्फ दिल्ली। इसके लिए अभी टायर करवाने हैं भाई, टायर का कैसे भी जुगाड़ हो जाना चाहिए। ओ मैंने आपको बताया नहीं होगा, अभी तक तो मैंने आपका वेलकम भी नहीं किया है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़े को परी पनौर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सो एक्साइटेड, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, जट प्रभजोत की लाइन मैं क्या बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड यू वाचिंग ब्लॉगर इन मी, वेलकम बैक। सो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली को, और इसमें मेरे को करौल बाग में एक एड्रेस मैंने डाला हुआ है जहाँ पर मेरी बात हुई है रिगार्डिंग द टायर्स ऑफ दिस बाइक, क्योंकि मैंने इस बाइक में इन टायर से 14,000 किलोमीटर चला ली है। मेरे को इस पे टायर करवाने, कैसे भी करके मेरा आज काम हो जाना चाहिए। अगर मेरा काम नहीं होता है तो मेरे पूरे के पूरे ड्रीम्स में पड़ जाएगा पानी, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। इससे पहले मैंने इसमें कुछ और भी काम कराया था, इसकी सर्विसिंग वगैरह कराई थी, जिसके कुछ शॉट्स मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने साथ है सोनू, हेम तो छुट्टी पे है, वो गया हुआ घूमने, तो सोनू आज अपनी गाड़ी पे काम करेगा। वो गाड़ी रेडी करनी है, आपको बता ही दिया है मोटिव क्या है, तो मिलते हैं आगे फिर आपको। जब भी लोग पलट के देखते हैं ना यार, व्हेन यू आर बाइक राइडिंग, अरे भाई बड़ा मजा आता है। मेरे को फिलहाल मतलब मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ यहाँ से जान बुझ के, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है यार, पीपल आर लुकिंग एट मी नो। आई एम श्योर कि ज़्यादातर व्यूअर्स जो होंगे वो भी बाइकर्स ही होंगे, तो उनको भी मालूम है जब आप पूरे गियर अप होके चलते हो। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, बट यार हम लोगों को हेलमेट पहनना शान जैसा लगता है, इट्स काइंड ऑफ ताज फॉर अस। जब भी हम हेलमेट पहनते हैं तो हमको लगता है ये हमारे सर पे ताज है, कहीं के राजा है हम, है ना, और ये है हमारा रथ। फ्यूल अप कर लेते हैं, फुल टैंक कर दीजिए। हाँ थैंक यू। सो भाई फ्यूल अप इज डन, 500 रुपये का पेट्रोल आया, अब बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों ये है गड़गंगा, वाओ। तो भाई नाश्ता आ गया है, नाश्ते में हमने मंगाया है प्याज का पराठा और एक छाछ। तो भाई मैं रुका था यहाँ पर शिवा टूरिस्ट ढाबा में, एक पराठा पीला, एक छाछ, अब मैं निकल रहा हूँ आगे को। गाइस देख रहे हो आप कितना भयंकर गर्मी पड़ रही है यार, यहाँ पर 40 डिग्री के तो आसपास ही होगा टेम्परेचर, ये तो पक्का है। और अपने हल्द्वानी में 30 के आसपास चलता है, अब आप बताओ 10 डिग्री का फर्क, को बाप रे। 1.8 किलोमीटर जाने के लिए भी 14 मिनट लगेंगे भाई, दिल्ली में भयंकर सफोकेशन हो रहा है। और जाम देखो आप, और वो आगे है रेड लाइट में है इसकी आँख, अबे खुल गया है, जाओ ना बढ़ो तो आगे।
तो टायर कर दिए चेंज, आगे का टायर अपने को रालको का मिल गया सेम नंबर 190-19, और पीछे का हमने डलवाया रालको का ही 140-70-17। देखो ये कुछ इस तरीके का टायर है। मैं आया हूँ गांधी टायर शॉप पे, तो रमन भाई हैं अपने साथ जिन्होंने अपने टायर का काम करवाया है। हाँ भाई हेलो तो बोल दे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई, चलो फिर थैंक यू पाजी, मिलते हैं भैया, थैंक यू। सो यार अब मैं आ गया हूँ रूम में, होटल का नाम है होटल यूनिस्टार। सो ये करोलबाग के आसपास में ही है, तो अपने को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई यार, बहुत ज्यादा थक गया था, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, डिस्टेंस की वजह से नहीं गर्मी की वजह से, इतनी ज्यादा गर्मी में अपने को मतलब रहने की आदत नहीं है ना, डेट इज द रीजन। सो फार कमरा बहुत सही है, सिर्फ 1000 रुपये में मिल गया। मैं आपको कमरा का दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये है कमरा, ये मैंने क्लोथ्स अपने धो के सुखाने के लिए डाल दिया, अब तो रोज करना पड़ेगा ये क्योंकि लॉन्ग राइड है यार। और डबल बेड है, यहाँ पर मैंने अपना सारा का सारा कैमरा वगैरह जो भी जितना आइटम था वो सारा चार्जिंग पर लगाया था। वार्डरोब दिया है, बाकी सामान ये है, वॉशरूम कुछ इस तरीके से है, तो ठीक ठाक है यार, साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। अभी सुनील जो मेरे साथ का एक राइडर है जिसको हैदराबाद से आना है, उसका आना बाकी है, ताज एक्सप्रेस वे में उसकी गाड़ी खराब हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ये पहले खराब हो गई, लद्दाख में होती तो ज्यादा दिक्कत होती, कल दिल्ली में ही हमको हॉल्ट करना पड़ेगा, और एक भाई और हैं जो करनाल में अपने को मिलने वाले थे कल, अब उनसे भी बात करनी है, लेट्स सी यार कैसे होता है। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द अपना लद्दाख का जो मेन जो टूरिंग है वो सारा का सारा चालू होगा, बहुत शानदार वीडियो आपके पास आने वाले हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार दिखाते रहिए। बाय बाय।